अगर इनका दुख दर्द दूर करना है तो इनकी बिटिया को जाकर तुम्हें एक दुखद समाचार सुनाओ। बोलो, है तुम में इतनी हिम्मत? मैं बताऊंगा। जी, मैं जाऊंगा। चलिए नथुलाल जी, मैं आपके साथ जाऊंगा और ये बात बताने का काम मैं करूंगा। आइए। दाह संस्कार भी करना है कि कैसे हम? आप जाइए घर पे, विधि बिटिया आपका इंतजार कर रही होगी। और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बताना। नहीं, पुलिस को लाई, इसका दाह संस्कार तो हो ही, अरे उसको देखकर ये चीर फाड़ करेंगे। अब ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे अब। माधव, हमारा दामाद, हमारा माधव। मैं घर पे क्या कहूं, पता नहीं कब घर वापस आ पाऊंगा, जा पाऊंगा कि भी नहीं। गुंजन से क्या कहूंगा? महंक को आते आते काफी देर हो जाएगी, क्यों ना मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करूं, स्पेशल डिनर बनाती हूँ। बेचारा कब से मुझे सरप्राइज देना चाहता है। यस। कर, तुम घर वापस आओ तो सही, इतनी देर से सरप्राइज सरप्राइज कर रहे थे ना। तुम्हारे सरप्राइज से पहले मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। चलिए। मयंक, इतनी देर हो गई है, फोन करके देखती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा है। मयंक के बॉस को फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो सर, मैं गुंजन गर्ग बोल रही हूँ, मयंक की वाइफ। मयंक कहाँ है? एक्चुअली मयंक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं वापस आया है। हाँ, वो क्लाइंट को मिलने गया है, मिसेस गर्ग। उस क्लाइंट की कोई कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकती है क्या? अब कितनी दूर है यहाँ से, कब तक वापस आ जाएगा वो? आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के काम के लिए गया है, साइट पे मीटिंग रखी थी, हाईवे से थोड़ा दूर है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। जी, थैंक यू। I'm so sorry आपको रात को डिस्टर्ब करने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया क्या हुआ? अरे का सोच में पड़ गए? अरे वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हाँ, जाओ और विधि बिटिया को बता दो कि उसके पति को तुम मार डाले हो।
जाओ जाओ। जो हमार 10 साल का तप और प्रतीक्षा पूरा होएगा। अम्मा देख हमार सुहाग हम खलेने आ गए। माधव जी कब से चिंता कर रहे थे कि आप आएंगे या नहीं और आप आ गए। माधव जी हमारी खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं। आप आइए ना। मुझे मुझे माधव समझ रही है। ये सपना है या सच यकीन ही नहीं होता। आज से हम भी एक साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। हमारा नया घर नया संसार शुरू होगा। वहां बस बस बिटिया इतना उतावली ना हो नहीं तो तोरी तबीयत बिगड़ जाए। आज हमका कौन चिंता नहीं। आज तो दुनिया की कोई भी चीज कोई भी ताकत हमें हमारे स्वामी से अलग नहीं कर सकत है। आज हम इतना खुश हैं कि चाहे यमदूत है क्यों ना आ जाए चाहे। अब सुनिए एक मिनट। दरअसल मुझे आपसे आपसे कुछ कुछ कहना था। कहना है क्या कहना है आपको कहिए। कहना क्या है आपको बोलिए। यही कहेंगे ना कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते। छोड़कर चले जाएंगे हमें। हम सुहागन नहीं बनेंगे कहिए। क्या ये कहना चाहते हैं आप। आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारे प्राण निकल जाएंगे। हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम आपके बिना मर जा भी हमारी जान निकल जाएगी। सच्ची हमारे जीने का मतलब सिर्फ आप सिर्फ आप। इसे जब मयंक देखेगा तो कहेगा क्या गुंजन जब भी रोमांस के बारे में सोचो तुम्हें यही कैंडल्स यही छत यही लाइट सोचती है। अब क्या करूं ओल्ड इज गोल्ड ना। और प्यार भी तो काफी क्लीशे चीज है। सो व्हाट मिस्टर मयंकर तुम घर वापस आओ तो सही। इतनी देर से सरप्राइज सरप्राइज कर रहे थे ना। तुम्हारे सरप्राइज से पहले मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूंगी। इस लड़की के साथ ऐसा ही होता है जब भी बहुत खुश हो जाती है ना तो यही हाल हो जाता है। बावली कहेगी ओ विधि विधि
बाजी उका है ना, सुबह से कछु खाए भी ना है, तो कमजोरी भी तो होगी ना। क्या बाजी, चलिए इसको अंदर का कमरा में ले जाते हैं, चलिए ऐसा संभाल के। देखिए ना, आप पहली बार आए हैं और हम सीधे काम पे लगा दिए। हम तो सोचे थे कि सबसे पहले विधि के हाथ का खीर खिलाएंगे आपको। अरे सुबह से का नहीं बनाई है पगली आपके लिए। वो कहा है ना दामाद जी कि जब दूल्हा लेने आता है ना तो लड़की लोग पगला जाती है। अरे अरे आप दामाद जी को बाहर ले जाइए ना, हम कुछ लेके आते हैं। दामाद जी कहा लाए आपके लिए, शरबत या खीर? जी वो आई। नथुलाल जी, मैंने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे ख्याल से आज उन्हें आराम करने देते हैं, प्लीज नथुलाल जी। ऐसा है बाबू कि तुम ठहरे बड़े आदमी, अरे कोनो कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में, हमार बिटिया का जीवन ऐसा नहीं है। मौत बहुत ही सीधी साथी है, दिल से भी और रहन सहन में भी। ओ ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। एक झटका में उसका सपना चूर चूर हो जाएगा। सपना चूर चूर हो जाएगा? हुआ जी, दामाद जी कुछ चाहिए आपको? बोलिए दामाद जी। जी दरअसल मुझे ना, ना हम आपको जाने नहीं देंगे। आप यही कह रहे थे ना इसे, हम भी बिटिया को लेके नहीं जाएंगे। फिर आए काहे थे उसका दिल दुखाने के लिए? देखिए देखिए माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा वैसा बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बात है? हम गौना करने आए थे ना, तो फिर जाने का बात काहे छेड़ रहे हैं? हमारी बिटिया का दिल मोम है, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए दामाद जी। लेकिन माँ जी मैं आपका दामाद नहीं हूं। लेकिन माँ जी मैं आपका दामाद नहीं हूं। क्या कह रहे हैं आप? जी मैं नहीं हूं आपका दामाद। सच कह रहे बदिरा, ये हमारा दामाद नहीं है। ये हमारा दामाद के खूनी है, हत्यारे है।
मार दिए ओका। देखिए देखिए माँ जी, मैंने मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, ये सब मुझसे अनजाने में हो गया, लेकिन हाँ गलती मेरी है और इसके लिए मुझे मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। आपने मुझे जो सजा देनी है आप दीजिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे ये इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। मुझे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। पूरी हिम्मत कैसे हुई है आने की? पूरी हिम्मत कहाँ समझे थे? हम तो माफ कर देंगे? नहीं, हम तो धोखा फांसी पर चढ़ाएंगे। कह देते हैं हम तो का छोड़ेंगे नहीं, तेरा घर बार संसार सब खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तो का दिल खूनिया तेरा पापी है, तुम को छोड़ेंगे नहीं। बस मंदिरा, बस बस। अरे इनको मारने से हमारे दामाद जी वापस नहीं आ जाएंगे, और ये कोई जानबूझकर थोड़ी ना किए हैं। छोड़ दो मथुरा, इनको छोड़ दो और अपनी बिटिया की चिंता करो। अरे क्या हाल होगा जब उसे पता पड़ेगा बेचारी विधि। हमारी बिटिया तो जीते जी मर जाएगी खबर सुन के। कहाँ रह गया मयंक? कितनी देर हो गई है, फोन करती हूँ। नहीं, एक्चुअली उसके बॉस ने कहा वो आज जाएगा। लगता है आज की रोमांटिक नाइट भूलनी पड़ेगी। ये क्या है? जिसके लिए ये सब किया है उसका इंतजार किए बगैर ही सब कुछ रैप अप। इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे बाबा, लेकिन अभी तो आ गया ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आ गया अपने कुंजन की बाहों में, छोटे से स्वर्ग में। ये सब क्या? मुझे कहती हो कि इमेजिनेटिव बनो, कुछ नया करो, और ये तुमने क्या किया? ओए, टेरेस के ऊपर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर और बीच में दो गुलाब, इसे तुम ओरिजिनल आइडिया कहती हो? जो भी किया ना मैंने मन से और प्यार से किया है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसे नहीं है, मेरी गुंजन जो भी कुछ छोटा मोटा करती है मुझे अच्छा ही लगता है। छोटा मोटा? तुम्हें ये सब कुछ छोटा मोटा लगता है? ठीक है, एक मिनट एक मिनट। मेरा मतलब ये है कि मेरी गुंजन जो भी करती है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। I just love it. बस यूं ही तुम्हारी आंखों में देखते देखते मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। आई लव यू कुंज। आई लव यू टू मैन।
अपना दामाद का भी और अपनी बिटिया का भी। दस साल से उस दिन का इंतजार कर रही थी, तूने सब बर्बाद कर दिया। कहेंगे हम उसे, कैसे संभालेंगे उसका। अम्मा